अभी हम आ चुके हैं भैया के मैन्युफैक्चरिंग मिल में। मेरे पीछे आप देख सकते हो भैया का साथ में लेते हैं और इस मिल के बारे में जानते हैं किस तरीके से कपड़ा बनने लगा है। ये चलिए तो मिल के बारे में बता दीजिए कि कैसे कपड़ा बनता है, क्योंकि आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो आप बेहतर बता। अभी हम आपको अंदर लेके चलते भैया, यहाँ से बताइए कि क्या है अपना कपड़ा कौन सा है। ये सारा भैया ग्रे का माल रहता है, इसके बाद इसका डाइंग और ये सारा होता है। पहले आगे से जो माल आता है वो कच्चा माल आता है, ये आप देख ही सकते हैं, ये सारा कच्चा माल बड़ा इतना सारा। ये सब मतलब कि कच्चा माल है, बाहर से आने के बाद यहाँ पे तैयार होता है। हाँ, ये सारा यहाँ पे तैयार होगा कच्चे माल का। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी लोग जैसे कि कपड़े का दावा ही करते हैं कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, आज हम आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल में लेके आ गए हैं, जो कि अभी देखिए कच्चा माल है। उसके बाद आगे और बताएंगे कैसे प्रिंटिंग हो रहा है, सब कुछ भैया से जानेंगे कैसे क्या होता है। पहले मैं बताया था भैया का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, अभी आगे दिखाते हैं भैया। और चलिए, कच्चा माल आने के बाद गाइस यहाँ पे कलर के लिए आता है, इस पे किया जाता है, जो 50 से 100 प्रकार के कलर रहते हैं वो यहाँ पे किया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं आगे, इसकी फिनिशिंग इसके बारे में बता दीजिए भैया। भैया ये हाइड्रो है, इससे कपड़ा सूखता है पूरा, जो हम डाइंग से कलर करके लाते हैं उसके बाद इसके अंदर डालते हैं और इसमें जो कपड़ा होता है वो जाके सूखता है एक बार, उसके बाद जो आगे का नेक्स्ट प्रोसेस है आगे का प्रोसेस बाकी अलग होता है। वो अलग होता है, इसमें खाली वो जो कपड़ा डाइंग होके आया जी इसमें जाएगा, वो सूखेगा कपड़ा कलर। ये यहाँ पे पूरा कपड़ा गंजा हुआ है, इसके बताइए भैया। अपन ने देखा कि पहले कलर हुआ, कलर के बाद अपन ने बोला था कि सूख रहा है कपड़ा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये सारा ढेर लग जाता है ऐसा। तो गाइस आप कपड़ा देख लीजिए, यहाँ पर पूरा स्टॉक में रखा हुआ, कलर से निकलने के बाद सूखने के लिए जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में पूरा कपड़ा रखा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे कितना क्वांटिटी और कितना बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे माल रहता है हमारे पास एनी टाइम, जैसे आपके पास रहता है। आपने बताया स्टॉक में पर्याप्त रहता है, तो यही है कि मतलब आपके पास पर्याप्त चालू रहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से 24 आवर ये मशीनें चालू रहती है जी। चलिए तो आगे दिखाते हैं आपको भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में बता भैया। देखिए पहले आपको मैंने बताया था सूख के जो बाहर आ रहा है कपड़ा वो ऐसा लग रहा था, अब देखिए अब इसमें जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा है ये कपड़ा एक फिनिश्ड हो रहा है। अब तो जैसे ये मशीन में जा रहा है यहाँ से, ये चलते चलते ये अपने केमिकल डाला है उससे कलर का जो उठाव है वो ज्यादा आएगा इससे, और ये फिनिश्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये चलता जाएगा मशीनों के थ्रू, मतलब आगे तरफ जाता है, मशीनों के थ्रू आगे चलता जाएगा ये, कि ये ऐसे कैसे चलता है, मैं अच्छे से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये फिनिशिंग रहती है, इसकी फिनिशिंग आती है जो उस कपड़े में देखा था वो कैसे सल था उसके, वो अब यहाँ से सारा हट जाएगा कपड़े से। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो मशीनें चल रही है, पहले कपड़े में जो सुकड़न रहती है उसके बाद इसमें जो मशीन के थ्रू सुकड़न है उसको अलग अलग किया जाता है, जिसमें मतलब कि कपड़ा अच्छा क्वालिटी में निकल के आता है। आगे भी इसकी प्रक्रिया आप देख सकते हो, इसमें आप देख ही सकते हो कि इसमें और भी आपको और भी आगे आगे मशीनें देखने को मिलेगी। गाइस देख सकते हो कपड़े को फिनिशिंग करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कितनी कितनी बड़ी मशीनें चल रही हैं यहाँ पे भैया के। यहाँ पे और भी आगे दिखाते हैं आपको, और आगे देखते लेते, अभी तक तो इसी के अंदर कपड़ा जाएगा पूरा करते करते। इसमें जितना भी कपड़ा बनता है इसका सबका प्रोसेस यही रहता है, कुछ कलर का वगैरह अलग अलग रहता है इसमें। 50 से 100 वेराइटी का कपड़ा आपने जैसे बताया था भैया, मतलब सेम प्रोसेस से गुजरता सबका है, सेम प्रोसेस है। अच्छा क्वालिटी का कपड़ा और सब अच्छा क्वालिटी का भी इसी में बने, बोला था कि यार 6 रुपए वाला कपड़ा भी इसी में बनेगा। गाइस जैसे इस तरीके से मशीनें देखिए, इस तरीके की प्रक्रिया से मतलब कि इस तरीके के प्रोसेस से गुजरता है कपड़ा। आगे और दिखाते हैं, देखिए भैया इसके बारे में थोड़ा सा बस जानेंगे भैया इसके बारे में, इस तरीके के क्या यहाँ तो बोला था कि फिनिश हो रहा है ये कपड़े इसमें, वो देखो ये ऐसा हो जाता है फिनिश होता है ये ऐसा, मतलब जो पूरी प्रक्रिया होने के बाद कपड़ा यहाँ पे आ जाता है। हाँ यहाँ पे आएगा, ये फिनिश होके यहाँ आएगा। गाइस आपने देखा जैसे पूरा प्रक्रिया से गुजरने के बाद कलर में डलता है, उसके बाद फिनिशिंग के लिए जाता है, उसके बाद अंदर डलता है जिससे कि अपना पूरा फिनिशिंग हो जाए। अभी यहाँ पे कपड़े को दिखाना चाहते हैं, कपड़ा आप सामने देख लीजिएगा इस तरीके से कपड़ा निकल आप देख ही सकते हैं भैया कि ये फिनिश होके बाहर आया है, और पहले वो कपड़ा कैसा था और ये अभी देखिए कपड़ा कैसा है, मतलब कपड़े का काफी अच्छा क्वालिटी बन के निकल के आता है। देखिए यहाँ से निकल के आता जा रहा है, पहले आपको पूरा इसका जो प्रोसेस रहता है वो पूरा बता दिया है भैया ने, जो मैन्युफैक्चरिंग का बताया था खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि कपड़ा अच्छे से अच्छा क्वालिटी का है। हमें हर कोई बोल देता कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन भैया का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है अपने आपको किस प्रोसेस के साथ कपड़ा गुजरता है वो सब कुछ बताया है। तो गाइस पूरी प्रक्रिया से कपड़ा गुजरने के बाद यहाँ पे रखा हुआ है, अभी ये पूरा पैक होने के बाद भैया ये पूरा ऐसे फिनिश होता है जी, ठीक है। उसके बाद हम इसको है ना ऐसे करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद इसको ऐसे रखते हैं, उसके बाद हम इसको फोल्डिंग करते हैं कि उससे पता चलता है ये कितने मीटर का माल है, कितने गड्डी का लगाना है। जैसे ये सभी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे स्टॉक है मतलब कि इसका कितना अपना मीटर में कपड़ा, ये सभी के लिए अलग से किया जाता है, अलग से फिर फोल्डिंग होता है उसका, कितना मीटर का थान बना है अपना, और सभी स्टॉक जो रहता है भैया का
वो अलग से रहता है, उसके लिए अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, वहाँ पे सबको डिटेल में बताएंगे। और भी पूरा डिटेल वाला वीडियो भैया हमारे चैनल पे है, वो भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा लिंक, और भैया का नंबर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको अच्छे से अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिलने वाला है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिंटू टेक्सटाइल मिल्स अपने कपड़े के लिए मैन्युफैक्चरिंग होता है इसके अंदर सारा जी, रोटो हो गया, माइक्रो हो गया, ये सारा इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है। लाइक 50-60 वैरायटी आपके पास कपड़े में उपलब्ध, इसमें आप मेरे पास कम से कम आपको 50-60 वैरायटी देखने को मिलेगी आपको मेरे पास, और 100 से ज्यादा कलर 100 से ज्यादा कलर देखने को मिलेंगे आपको। डिस्प्ले में कलर चार्ट भी शो हो जाएगा सारा जी भैया, और पीछे भी मैं देख भी पा रहा हूँ कितना कुछ है। हाँ। और आपका जो फार्म है यहाँ पे करीब 30,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो आपको पास मेरे पास एनी टाइम कम से कम हर कलर में 300-300 थान भी रेडी मिलेगा। मतलब बल्क में कोई ऑर्डर करना हाँ, चाहता है, बल्क में जो ऑर्डर करना जाएगा तो हम, वैसे हमारा बल्क का ही काम है, हम बल्क में ही देते हैं इनको, हम इसमें रेगुलर पार्सल पैक करके बेचते हैं, रेगुलर का 200 पार्सल की डिस्पैच करते हैं। मैं बताना चाहूंगा गाइस, जो टेंट और डेकोरेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, जो कि कपड़े का बहुत ही ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा तो आपको लाइक हर एक जगह लगना है, कपड़ा मतलब कि सब कहीं पे ही लगना है, तो भैया का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, तो भैया अच्छे से अच्छे प्राइस रेंज में अच्छे से अच्छा क्वालिटी आपके लिए मेंटेन करके देने वाले। आप देख ही सकते हैं कि जैसे अब मेरे पास इसमें इतना सारा स्टॉक पड़ा है, और एनी टाइम मेरे पास इसे भी ज्यादा स्टॉक में रहता है माल, और कलर रेंज भी आपको एनी टाइम देखने को मिलेगी मेरे पास, देख ही रहे होंगे इसमें 66 कलर का ये चार्ट है, इससे भी ज्यादा रेंज में कलर चाहिए तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे ये कलर चाहिए, वो भी हम बना के देते हैं, और बाकी मेरे पास 66 कलर एनी टाइम रेडी मिलेगा आपको, जो कि काफी अच्छा भैया आप मतलब कस्टमर के लिए अच्छा सुविधा दी है कि चार्ट है यहाँ पे। हाँ। इसमें सेलेक्ट कीजिए कलर, उसके बाद आप मंगवा लीजिए। हाँ, बस कस्टमर इसमें से सेलेक्ट करता है कि मुझे ये चाहिए, ये नंबर का कलर चाहिए, वो हम अवेलेबल करते हैं उनके लिए, और एनी टाइम मेरे पास अवेलेबल रहेगा। और आप प्राइस लिस्ट की बात करें कपड़े के अंदर जी, तो मेरे पास 6 रुपए से क्वालिटी स्टार्ट होती, 40-50 रुपए तक की क्वालिटी भी मेरे पास अवेलेबल मिलेगी आपको देखने को। जैसे आप ये देख ही रहे होंगे ये सारा माइक्रो है, माइक्रो के अंदर भी मेरे पास बहुत सारी क्वालिटी देखने को मिलेगी, 4 किलो हो गया, 5 किलो हो गया, 8 किलो हो गया, 7 किलो हो गया, ये सारी वेराइटीज भी आपको मेरे पास देखने को मिलेगी। मतलब 6 रुपए से स्टार्ट है आपका कपड़ा? हाँ, 6 रुपए से स्टार्ट होता है, और ये जो कपड़ा होता है ये ट्रस में लगाने, पिलर में लगाने के लिए काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग है तो अच्छे से अच्छे रेंज में ही मिलने वाला है। अच्छा। जैसे पीछे और दिखाते हैं भैया, पीछे आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास खूब सारी वैरायटी मिलेगी, कलर्स भी मिलेंगे आपको देखने को। जैसे यहाँ पे एक थान रखा हुआ है भैया, इसको दिखा सकते हैं कैसा क्वालिटी है, आप इसमें क्वालिटी भी देख सकते हैं, इसे बहुत बेहतरीन क्वालिटी का हम यूज करते हैं, देखिएगा आप क्वालिटी देखिएगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार क्वालिटी है, देखिए ये शानदार क्वालिटी है। हम इसका रेट, ये कपड़े की रेट की बात करें तो ये मेरे पास 17 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और 18-20 रुपए तक का ये क्वालिटी भी है मेरे पास। लाइक मतलब कोई सीलिंग का कपड़ा लेना चाहता है, सीलिंग का भी? हाँ, सीलिंग का भी कपड़ा अवेलेबल मिलेगा मेरे पास, जैसे कि देख सकते हैं सामने बहुत सारा लाइक्रा लगा हुआ है भैया, इसमें भी आप देख सकते हैं ये लाइक्रा का कलर चार्ट है, तो इसमें भी आपको मेरे पास 60-70 कलर देखने को मिलेंगे इसी के अंदर। और बात करें कि इसकी रेट की, तो रेट मेरे पास इसका 19 रुपए से ये कपड़ा स्टार्ट हो जाता है लाइक्रा, और 40 रुपए तक का लाइक्रा की रेंज तक का भी कपड़ा है मेरे पास, इसमें 20 गेज हो गया, 24 गेज हो गया, 22 गेज हो गया, 28 गेज हो गया, ये सारा भी आपको देखने को मिलेगा मेरे यहाँ पे मेरे पास, और क्वांटिटी भी फुल मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, और रेट की बात करें बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर हम ये प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। जैसे आपने ये चीज का दावा करते कि आपके पास मतलब अच्छे से अच्छा रेंज में मिलेगा। हाँ। मतलब क्वालिटी आपके यहाँ मैंने भी देख ली भैया, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ हर एक कपड़े में आपको, मेरे यहाँ पे क्वालिटी मिलेगा, पर बहुत अच्छा क्वालिटी, ऐसा क्वालिटी मिलेगा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए भैया। जैसे इसके बारे में बता दीजिए भैया, ये मेरे पास वर्क है आपको, मतलब मेरे पास 20-30 तरह की वर्क की डिजाइन देखने को मिल जाएगी, और भी देखना हो तो आप मेरे पे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप से मैं आपको डिजाइन भेज दूंगा। ये देख सकते हैं भैया, ये ताइवान हो गया जो सीलिंग में यूज आता है, इस पे भी मेरे पास 3-4 वेरायटी को मिलेगी, इसकी भी रेंज मेरे पास 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक की रेंज का ये है। और चुन्नी कपड़ा भी है भैया? हाँ, मेरे पास चुन्नी कपड़ा भी देखने को मिल जाएगा आपको। चुन्नी कपड़ा कितने रुपए से स्टार्ट है? चुन्नी कपड़ा भी मेरे पास 12 रुपए से लेके 20 रुपए तक की रेंज तक का कपड़ा है भैया के पास, करीब इतना वैरायटी का कपड़ा है भैया कि मैं आपको हर एक कपड़ा खोल के नहीं देख सकता हूँ, बाकी आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हो आप, मेरी लाइक्रा की क्वालिटी भी देख सकते हैं, लाइक्रा हम बहुत बढ़िया क्वालिटी का यूज लेते हैं सीलिंग और पर्दे के अंदर,
इसके बारे में बता दीजिए कुछ। भैया मेरे पास ये फैंसी है कपड़ा भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे अब ये हो गया तो ये भी आप मेरे पास अवेलेबल मिलता है एनी टाइम। इसकी प्राइस लिस्ट की बात करें जैसे तो ये कम से कम मेरे पास 100 रुपए से स्टार्ट होता है और 500 की रेंज तक का कपड़ा भी मेरे पास देखने को मिलेगा। भैया ने मस्त कपड़ा दिखाया, ये आप चाहें तो अपने हिसाब से सेल्फी वगैरह में यूज कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से। जैसे अब भैया ये देखते हैं लोग, ये हमने कपड़े पे फ्लावर बना लिया है जी, इस तरीके के और भी सीलिंग में और भी आपको वेराइटीज देखने को मिलेगी और डिजाइन देखने को मिलेगी। मेरे पास 40 से 50 डिजाइन देखने को मिल जाएगी इस तरह के कपड़े में, जो की अगर कोई यूनिक और कुछ अलग करना चाहता है तो इस तरीके का कपड़ा भी ले सकता है। भैया फर देखने को मिल जाएगी, ये फर है, जैसे इसका रेट मेरे पास 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की रेंज तक आपको कपड़ा मिल जाएगा। ये फर का भी, फर वाला कपड़ा भी पर्याप्त होता है पर्याप्त से। और ये देखिए अब मेरी ये लाइक्रा आपको रेंज देखने को मिल जाएगी, इतनी रेंज में मेरा कपड़ा।